खबर देहरादून से है, जहां प्रसिद्ध कथावाचक और धर्मगुरु रामभद्राचार्य महाराज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि शुक्रवार सुबह हाथरस में राम कथा करते वक्त कथावाचक रामभद्राचार्य की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। वहीं उनको सीने में दर्द की शिकायत और सांस लेने में तकलीफ होने पर देर रात एयर एम्बुलेंस से उन्हें देहरादून लाया गया, जहाँ उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं प्रारंभिक जांच में उनके सीने में संक्रमण का पता चला है, उनका इलाज जारी है। वहीं डॉक्टर श्री कृष्ण अवतार ने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत अभी पहले से काफी बेहतर है और खतरे की अब कोई बात नहीं है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर है। उनकी छाती में संक्रमण की इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। कुल मिला के कोई भी चिंता वाली बात नहीं।